मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वह वट वृक्ष है जिसकी छायों में यह विद्यालय फल फूल रहा है। ऐसे कृतज्ञ और महान माननीय पार की श्रीमान निदेशक महोदय एवं प्रिंसिपल मैम को नमन करता हूँ। इस विद्यालय की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास और इस इतिहास में इस छोटे नैने मुने बच्चों का शिक्षित समाज और इस अनुशासन की पावन परंपरा को नमन करता हूँ। बिना रावण के रावण का वध संभव नहीं था। बिना राम के रावण का वध संभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत बिना भगत सुभाष के संभव नहीं था। बिना राम के रावण का वध संभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत बिना भगत और सुभाष के संभव नहीं था। दोस्तों, हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया था। अरे ये तो बेड़ा उठाया उन वीरों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी का बलिदान देकर के इस भारत माँ को आजाद कराया उन वीरों ने हमारी खुशी के लिए अपनी हंसी बलिदान कर दी। ऐसे वीरों को मैं सलाम करता हूँ। घनघोर अंधेरा भी सूर्य उदय के बाद प्रकाशमय हो जाता है। और एक रत्नाकर जैसा डाकू भी आत्म चिंतन के बाद रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। अरे इस देश को जरूरत है आत्म चिंतन की, आत्म मंथन की। इस युवा पीढ़ी को जरूरत है आत्म चिंतन की, आत्म मंथन की। अगर हम ये सोच लें कि अगर वो वीर शहीद हो सकते हैं इस देश के लिए, क्या हम उनसे कम है? नहीं है, हम कम नहीं है। क्या हमारी बेटियां पीवी सिंधु नहीं बन सकती? बन सकती है। इसमें केवल जरूरत है हमारे आत्म चिंतन की। हमारे मनोभाव बदलो, इन विचारों को बदलो। इन विचारों पर दुनिया टिकी है। उन वीरों ने इस भारत माँ की जमीन के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लेकिन हम इतना ही नहीं, उन वीरों को हम सलाम तक नहीं कर सकते। देखो, उन वीरों को हम थोड़ा सा सलाम नहीं दे सकते। देखो कितना हमारा समाज, जब कोई आर्मी ऑफिसर जाता है तो उसके सामने हम सल्यूट नहीं कर सकते। इनसे बदतर और क्या हो सकता है? तो मैं कहना चाहूंगा, आज हम इस स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हम एक परण ले कि जब भी कोई आर्मी ऑफिसर हमारे पास से गुजरे तो उसको हम सलाम कर दें। जय हिंद, जय भारत, हमारे देश के बिना 90% हम इस बात